भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनके संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू भी मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो है फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामी हमदल्लाह का। पीएम मोदी के मुस्लिम बहुल तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा से ठीक पहले हमदल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर हैं, दुनिया के नेताओं में उन्होंने अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा खत्म करवा सकते हैं और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। हमदल्लाह ने ये सारी बातें एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वाधीनता का आदर करते हुए शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए फौरन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की जरूरत है। भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। हमारा विश्वास है कि कब्जा बरकरार रहने तक शांति नहीं आ सकती।